नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान CHO भर्ती 2021 के बारे में, जिसमें कि हम आज बात करेंगे फाइनल लिस्ट की कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लगातार मेरे पास डेली कमेंट आते हैं कि सर मेरी इतने परसेंट नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो सभी कैटेगरी की यहाँ पर जो आपको कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ है वो फाइनल लिस्ट में जाने वाली है, और फाइनल लिस्ट आपकी कब तक जारी हो जाएगी उसको लेकर भी मैं आपको लास्ट में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चैनल पर आपको राजस्थान CHO की पल पल की अपडेट अब मिलती रहती है। तो चलिए, यह समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, TSP एरिया में, माफ़ कीजिएगा, नॉन TSP एरिया की मैं आपको जो कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कुछ TSP के भी इसमें पोस्ट थी दोस्तों। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी जनरल कैटेगरी की नॉन TSP में। तो जनरल कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, हाईएस्ट, मैं हाईएस्ट कट ऑफ बताऊंगा, इससे कम ही आपको देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 5 जो क्वेश्चन हैं दोस्तों ऑलरेडी डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब आपकी 95 क्वेश्चन पर ही आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों निकाली जाएगी। तो जनरल कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो परसेंटेज में है, ना कि नंबर में। तो आपकी जो हाईएस्ट जा सकती है दोस्तों, वो आपकी 75 से 67% तक आपकी जो हाईएस्ट कट ऑफ है जा सकती है। और फीमेल में दोस्तों आपकी जो कट ऑफ रहती है वो 2 से 3% कम रहती है, यानी कि 2 से 3% आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी फीमेल कैटेगरी में। तो आप सभी जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ कैटेगरी की, उसमें अगर आप फीमेल हैं तो आप 2 से 3% कम मान के चलना आप। अब मैं बात कर लेता हूँ कि OBC की कट ऑफ क्या रहेगी। OBC में जो आपकी हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, वो आपकी 73 से 75 के मध्य जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, 73 से 75 के मध्य आपको हाईएस्ट कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, कम ही रहेगी, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ दोस्तों, आपकी जो 15,000 स्टूडेंट को प्रोविजन लिस्ट में पास किया गया था, तो उसमें दोस्तों सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो हर बैच में दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें कम से कम 20 से 25 कैंडिडेट अब्सेंट भी रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम दोस्तों 1000 से 1500 कैंडिडेट आराम से यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं कराया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हों का माइंड है वो बाद में चेंज हो गया कि हमें CHO ज्वाइन नहीं करना है, इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने CHO के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नहीं कराया। काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्हें बॉन्ड की वजह से भी यहाँ पर जो है CHO ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि बॉन्ड बहुत अधिक है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं कराया है। तो इसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सस्पेंड भी हो जाएंगे। इस वजह से दोस्तों आप मान के चलिए कम से कम 12,000 कैंडिडेट ही जो है फाइनल लिस्ट की कट ऑफ के लिए बच पाएंगे। 3,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट इसमें सस्पेंड भी होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जो NHM के द्वारा इनको वेरीफाई किया जाएगा, इनमें देखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो विकलांग होने का जो प्रमाण पत्र तो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर फर्जी बनवा रखा है। इसी वजह से दोस्तों उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लास्ट में किया जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि EWS की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो EWS में आपकी 70 से 72 के मध्य देखने को मिलेगी दोस्तों। EWS की जो कट ऑफ रहती है OBC से कम रहती है 1 या 2%। अब मैं बात कर लूँ दोस्तों MBC की कट ऑफ की, MBC की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो MBC की कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर 69 से 71 के मध्य आपको देखने को मिलेगी। सेम सेम ही जो कट ऑफ रहने वाली है MBC, EWS और OBC, इन तीनों की जो कट ऑफ है दोस्तों आपको 1 से 2 नंबर का अंतर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटों पर भी आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और कितने आवेदन हैं कौन सी कैटेगरी में किए गए हैं। मैं बात कर लूँ दोस्तों SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो जाएगी आपकी 68 से 69 के मध्य, ये हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इतने नंबर बनने हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको फाइनल लिस्ट में जगह मिल जाएगी, क्योंकि 12,000 कैंडिडेट में से 7810 कैंडिडेट को चुना जाएगा। सभी की लिस्ट एक साथ नहीं आएगी दोस्तों, वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी।
अब मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की आपको जो कट ऑफ है दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलेगी, 63% तक यहाँ पर जो कट ऑफ है वो जा सकती है फीमेल कैंडिडेट में। और जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है वो 65% तक, और हाईएस्ट अगर जाती है दोस्तों तो 68% तक आपकी जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट जा सकती है। इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ है वो देखने को नहीं मिलेगी। इस इनके मध्य अगर आपके नंबर वन है एसटी कैटेगरी में तो आराम से सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ टीएसपी एरिया में, तो जो कट ऑफ मैंने आपको बताई दोस्तों उसमें आपको लेस देन 2 से 3% कर देना दोस्तों, इतनी ही परसेंट है आपकी टीएसपी एरिया में रहने वाली है। यानी कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है नॉन टीएसपी की उससे 2 से 3% आपको कट ऑफ है वो कम देखने को मिलेगी। तो ये आपका रहने वाला दोस्तों। अगर मैं फाइनल लिस्ट की बात करूँ तो फाइनल लिस्ट कब आएगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट पर चलते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या कोई वहाँ पर अपडेट है, वो नया आया है नहीं आया है। तो दोस्तों आज आपका 10 फरवरी को कैंडिडेट को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि 10 फरवरी तक आपका जो है शेड्यूल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चलने वाला है। 9 फरवरी को कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि आपका 10 से 15 दिन का समय आपको एनएचएम लेगा, यानी कि एनएचएम आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10 से 15 दिन लेगा। इसके बाद दोस्तों आपकी मार्च तक या फरवरी के लास्ट वीक तक ही आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी दोस्तों। ये ऑफ जो कट ऑफ मैंने बताई है यही कट ऑफ आपको लगभग देखने को मिल जाएगी दोस्तों, यही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि मैंने प्रोविजनल लिस्ट की जो कट ऑफ बताई थी वही यही रही थी दोस्तों कट ऑफ, और बिल्कुल सटीक कट ऑफ मैंने बताई थी। और दोस्तों आपको कोई को सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं तुरंत आपके दोस्तों रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इस दोस्तों में शेयर कर देना सभी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में। तब तक के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।